हेलो टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स विद। मेरा नाम है फैसल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेजर क्वाड फैमिली के ऊपर, कि मेजर क्वाड फैमिली क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि इसका यूज़ क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। एंड इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, कि अगर आप लोगों ने क्रोमेटिक स्केल की वीडियो नहीं देखी, क्रोमेटिक स्केल, हाउ टू मेक अ मेजर स्केल एंड हाउ टू मेक अ माइनर स्केल, पहले आप लोग उन वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों से काफी रिलेटेड है। एंड जब आप लोग उस चीज को निकाल पाएंगे तभी आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे एंड इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एंड मैं उसका लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर भी उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेजर क्वाड फैमिली होती क्या है एंड इसका यूज क्या होता है और इसको कहां कहां पर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इसकी सबसे पहली चीज जो है वो है, इसका यूज करके हम लोग कोई भी सॉन्ग को प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सारे गामा पाधा नीसा, मतलब सात सुरों से पूरा म्यूजिक बनाए, तो उसी तरीके से इसमें सात कॉर्ड्स होती हैं जिनको हम लोग एक सीरीज में अरेंज करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉर्ड को अरेंज करते हैं। एंड इस फैमिली का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि कोई भी कॉर्ड होती है, जो भी फर्स्ट कॉर्ड होती है किसी भी सॉन्ग की फर्स्ट कॉर्ड, उसी से हम लोग पूरी फैमिली निकालते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उस फैमिली से बाहर कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ही हो एक माइनर सॉन्ग है, तो उसकी जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है ई माइनर, तो ई माइनर की हम लोग पूरी फैमिली फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के फॉर्मूला बताऊंगा कि उसको कैसे निकाली जाएगी फैमिली। तो उसके फैमिली लगाने के बाद, हम लोग फॉर्मूला लगाने के बाद, जो हम लोग की सेवन कॉर्ड्स निकल के आती हैं वो उस कॉर्ड की फैमिली होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो गाना ई माइनर पर है तो हमने सेवन कॉर्ड्स उसकी निकाल ली, तो अब वो गाना उन सेवन कॉर्ड्स के अंदर ही प्ले होगा, उसके बाहर प्ले नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो उसका बेनिफिट है वो इस चीज़ का है। एंड जो उसका सेकेंड बेनिफिट होता है वो होता है कॉर्ड फाइंडिंग का, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग किसी भी गाने की कॉर्ड इजिली फाइंड कर सकते हैं एंड इसके फैमिली के थ्रू उस सॉन्ग, पूरे सॉन्ग को कवर किया जा सकता है। आगे मैं अभी कुछ वीडियोज लाने वाला हूँ कॉर्ड फाइंडिंग को लेकर, कि किसी भी सॉन्ग की कॉर्ड्स कैसे निकालें और स्केल कैसे निकालें, तो उसमें भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो जो मैंने वीडियोज बताई क्रोमेटिक स्केल, हाउ टू मेक अ मेजर स्केल, हाउ टू मेक अ माइनर स्केल, तो ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉर्ड फाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो अब हम देखेंगे कि मेजर कॉर्ड फैमिली कैसे बनाई जाती है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक कोई भी स्केल सेलेक्ट करेंगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ सी मेजर, तो हम लोग सी मेजर कॉर्ड की फैमिली निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को सी मेजर स्केल के नोट निकालना पड़ेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि मेजर स्केल कैसे निकालें, तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो सी मेजर स्केल हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले मेजर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन, उसके अकॉर्डिंग पहला जो नोट होगा वो होगा सी, सेकेंड डी, थर्ड ई, फोर्थ एफ, फिफ्थ जी, सिक्स ए एंड सेवन बी। ओके, ये हो गया मेजर स्केल। अब मेजर स्केल निकालने के बाद हम लोग मेजर कॉर्ड फैमिली के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला होता है मेजर प्लस माइनर प्लस माइनर प्लस मेजर प्लस मेजर प्लस माइनर प्लस डिमिनिश्ड प्लस मेजर। तो हम लोग को ये हो जाता है मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर, माइनर डिमिनिश्ड मेजर। तो जैसा कि हम लोगों ने मेजर स्केल निकाली थी सी डी ई एफ जी ए बी, ओके, तो सी में उसका जो मेजर कॉर्ड फैमिली निकालने के लिए हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला लिखा है, तो सी के हम लोग की बन जाएगी सी मेजर कॉर्ड, और
जो हम लोग का मेजर स्केल के जो सेकेंड नोट था वो था डी, वो बन जाएगा माइनर, मतलब जो सेकेंड कॉर्ड हम लोग की बन जाएगी वो बन जाएगी डी माइनर कॉर्ड। एंड जो हम लोग का थर्ड नोट निकला था मेजर स्केल में वो था ई, ये भी बन जाएगी ई माइनर। एंड जो फोर्थ नोट है हम लोग की मेजर स्केल में है वो है एफ, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगी मेजर। देन जी, ये भी बन जाएगा मेजर। देन था फॉर्मूले में माइनर प्लस माइनर, तो बन जाएगा ए माइनर। देन था डिमिनिश्ड, तो बी बन जाएगा डिमिनिश्ड। तो हम लोग की फैमिली अब निकल चुकी है, तो हम लोग की फर्स्ट कॉर्ड बनी सी मेजर, सेकेंड डी माइनर, थर्ड ई माइनर, फोर्थ एफ मेजर, फिफ्थ जी मेजर, सिक्स ए माइनर एंड सेवन डी डिमिनिश्ड। इस फॉर्मूले को हम लोग किसी भी नोट में किसी भी कॉर्ड निकालने के लिए, किसी भी मेजर कॉर्ड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे डी शार्प हो। हम लोग को कोई भी मेजर स्केल में इसको अप्लाई करके हम लोग पूरी एक फैमिली निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली गिटार पर कि इसको कैसे यूज़ करेंगे एंड डिमिनिश्ड कॉर्ड कैसे प्ले होती है। तो चलिए चलते हैं गिटार की तरफ। तो जैसा कि हम लोग की सी मेजर कॉर्ड की फैमिली निकल चुकी है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं और वो जो मैंने सेवन नोट्स बोले थे, सात सुर जो होते हैं वो कैसे इसमें अप्लाई होते हैं। तो जो फर्स्ट कॉर्ड थी वो हम लोग की बनी थी सी मेजर, सेकेंड कॉर्ड जो थी वो थी डी माइनर, थ्री फिंगर से भी होल्ड कर सकते हैं, थर्ड कॉर्ड इज ई माइनर, फोर्थ एफ मेजर, फिफ्थ जी मेजर, इसको हम लोग थ्री फिंगर से भी होल्ड कर सकते हैं जी मेजर को एंड फोर्थ फिंगर से भी कर सकते हैं। देन ए मेजर एंड बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश को प्ले करने के लिए हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, ए स्ट्रिंग पे मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रखेंगे फर्स्ट फिंगर एंड फोर्थ स्ट्रिंग मतलब डी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखेंगे सेकंड फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग मतलब बी स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखेंगे थर्ड फिंगर, एंड जो पिंकी फिंगर हम लोग की फोर्थ फिंगर है वो हम लोग यूज करेंगे थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे। तो हम लोग की क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिंगर मैंने पुट करी, देन सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग पे, देन ये बन जाएगी बी डिमिनिश्ड। तो जो सात सुर थे वो कुछ इस तरीके से प्ले होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन सात सुर जो सात कौड़े निकली हैं इनमें हम लोग पूरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। किसी भी सॉन्ग का फर्स्ट जो कॉर्ड होगी सी मेजर, तो इन्हीं सात कॉर्ड में से ही हम लोग कॉर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पापा कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, सी एफ एंड जी यूज हुआ इसी फैमिली के अंदर का। अब इसी कॉर्ड का सेकंड सॉन्ग देखते हैं हम लोग, मा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तारे जमीन पर। तो मैं बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता, इसमें भी हम लोगों ने सी एफ जी यूज किया, मतलब फैमिली के अंदर से ही कॉर्ड लगेगी। कम से कम हम लोग थ्री कॉर्ड यूज करते हैं बट रहेगी फैमिली के अंदर से। सो इसकी प्रैक्टिस करिएगा जो कि कॉर्ड फाइंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो या मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे उस पर DM कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज मैंने ऑनलाइन गिटार क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप एंड कॉल करके डिटेल्स जान सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।